हेलो स्टूडेंट, फॉर 12 क्लास लेसन विमेन्स एजुकेशन ऑफ प्रोज डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा हुआ, इसका रिवीजन आज मैं करवाने जा रहा हूँ। लेसन देखिए आप लोग, अबाउट द लेसन, पहले लेसन के बारे में जो कुछ दिया है उसको पढ़ा दें। डॉक्टर राधाकृष्णन, विमेन्स एजुकेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द बुक ट्रू नॉलेज। ये जो पाठ है डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखी हुई एक किताब है ट्रू नॉलेज, किताब का नाम है ट्रू नॉलेज। उस किताब से इस पाठ को लिया गया है, विमेन्स एजुकेशन, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1970, जो 1970 में पब्लिश हुई थी किताब। इट डील्स विथ द एजुकेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की शिक्षा के बारे में लिखी गई थी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बीइंग थिंक हाईली एंड एक्ट नोबली। इस किताब का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों को इस तरीके का बनाना कि वो अच्छे विचार रखें और अच्छे काम करें, अच्छे काम करवाना और अच्छी सोच रखने के लिए इस किताब का लिखा गया था। रियल एजुकेशन गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड एंड हेल्प मैन एंड वीमेन टू अंडरस्टैंड एंड अननोन मिस्ट्रीज ऑफ दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टरवर्ड्स। ये कविता, एक किताब महिलाओं की और पुरुषों को मदद करती है ज्ञान देकर के। इट मीन्स दैट मेंस एंड मेंस रियल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मेंस अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्यों की वास्तविक शिक्षा उनकी सोच पर आधारित होती है और न्यू वर्ल्ड और एक नया संसार का निर्माण कर सकती है। अ वर्ल्ड विच लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जो संसार समय और स्थान के परे है। इट इंसिस्ट इन अ मैन द क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन, और जो कि कंसंट्रेशन माने एकाग्रता, एकाग्रता के गुण पर आधारित सेल्फ कंट्रोल एंड मोरल स्ट्रेंथ, आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति तथा एकाग्रता के गुणों पर आधारित। पाठ का ये सारांश था। अब यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है आपका। यू आर लिविंग इन अ एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है। आप ऐसे युग में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन एन एज, आप ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहाँ बहुत अवसर हैं फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए। इस युग में महिलाओं के बहुत अवसर हैं, महिलाओं के लिए बहुत अवसर हैं। काहे के लिए अवसर हैं? इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, जनता के कार्यों में एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के कार्य, यानी महिलाओं के लिए हर जगह अवसर हैं। समाज सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में सेवा करने के लिए। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड, समाज में सेवा करने के लिए का मतलब क्या था? कि समाज को ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है, रिक्वायर्स वीमेन माने महिलाओं की आवश्यकता है, और फिर डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मस्तिष्क वाली, जिनका जो अनुशासित हों, अनुशासन में रहने वाली हों, सब हों, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स। रेस्ट्रेंड मैनर्स माने हैं सुसंस्कृत, जिनकी संस्कृति अच्छी हो, अच्छे घरों की हों, अच्छे परिवार में अच्छे गुण उनके अंदर आए हों, उनको रेस्ट्रेंड मैनर्स कहते हैं, अच्छे तौर तरीके वाली। समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है? अनुशासित मस्तिष्क वाली और अच्छे गुणों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आपके पास काम कोई भी हो, किसी भी प्रकार का काम हो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको इसे ईमानदारी से करना चाहिए। डिसिप्लिन माइंड, अनुशासन तरीके से करना चाहिए।
कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, आपको अनुशासित और ईमानदारी से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तो आप सफल होंगे एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको काम करने में आनंद भी आएगा। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और अनुशासन तरीके से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और काम का आनंद भी मिलेगा। एक्चुअली इन अवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है। हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा की बात है, लड़कियों से शिक्षा से संबंधित बात है, वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, यानी गहराई से नहीं दी जाती है, शॉर्ट दी जाती है, छोटी शिक्षा, हल्की शिक्षा दी जाती है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस विच कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान देते हैं टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, लड़कियों की शिक्षा के लिए, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वो बधाई के पात्र हैं। वास्तव में प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है वो बधाई की पात्र है। बट आई एम एनेक्शियस, लेकिन मैं उत्सुक हूँ, एनेक्शियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, एनेक्शियस चिंतित हूँ, लेखक कहता है, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि इस प्रकार की शिक्षा, काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, ये इसको केवल बड़ा ही नहीं होना चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, लेकिन इसे गहरा भी होना चाहिए। लेखक कहता है, मुझे चिंता है शिक्षा की, जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही शॉर्ट में दी जाती है, और इसको विस्तृत होना चाहिए, विस्तृत ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसको गहराई से होना चाहिए, डीप। अब इसका मतलब डीप और ब्रॉड में अंतर है, ब्रॉड माने विस्तृत, लेकिन डीप माने गहराई से, विस्तृत माने आगे का तो हम विस्तार बता देंगे कि क्या होगा इससे, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, ये डीप कहते हैं इसको, गहराई से, गहराई से भी दी जानी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है, यानी उत्पत्ति की कमी है, कि शिक्षा उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम ज्ञानवान हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, लेकिन हमारे पास यदि किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है नंबर लाइफ, हमारे जीवन में, आवर लिप्स themselves बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। हमारे पास कुशलता भी है, ज्ञान भी है, लेकिन यदि उद्देश्य नहीं है कोई, तो वो शिक्षा बेकार है, हमारा जीवन अंधकारमय है। ब्लंडरिंग एंड बिटर, कड़ुआ और अंधकारमय है, गलतियों से भरा हुआ है, बिटर माने कड़वाहट आ जाती है, हमारे जीवन में नीरसता आ जाती है। अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो फिर वो जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन यहाँ शिक्षा की बात थी कि अगर हमारे जीवन में हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारी शिक्षा बेकार हो जाती है। द गीता से, गीता कहती है, गीता पवित्र पुस्तक हिंदुओं की, पुराण, गीता पुराण, ये कहता है, व्यवसात्मिका बुद्धिर एका, व्यवसात्मिका बुद्धिर एका, व्यवसाय में बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, यानी जो भी हम काम करें बुद्धि वहीं पर लगनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी काम करो पूरी एकाग्रता से करो, मन से करो। गीता कहती है हमारी कि जो भी काम करो मन से करो, फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, क्योंकि ट्रूली कल्चर्ड माने अच्छी संस्कार वाली मस्तिष्क, अच्छा संस्कार वाला मस्तिष्क, देयर इज अ सिंगल माइंडनेस, जहाँ पर केवल एक ही दिमाग है, अर्थात एक ही काम में दिमाग है, आ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, और एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। डेडिकेशन माने होता है अपने काम में पूरी तरीके से लगन से लग जाना, समर्पित हो जाना, एक ही काम के लिए समर्पित हैं। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और जबकि अनकल्चर्ड माने जो सुसंस्कृत नहीं है, अच्छे गुण वाली नहीं है, जो उनके लिए द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, पूरा जीवन बिखरा हुआ होता है इन
मैनी डायरेक्शंस, कई दिशाओं में, यानी जिनका कोई एक उद्देश्य नहीं होता है वो कई दिशाओं में भागते हैं, ये कई काम करने की सोचते हैं, ये भी करें वो भी करें और पता चला कोई काम नहीं कर पाते हैं। गीता कहती है बहुशाखा हाई ना क्या, बहुशाखा हाई ना क्या, जिस प्रकार से एक वृक्ष की कई शाखाएं होती हैं इसी प्रकार से शाखाओं के रूप में उसका जीवन फैला हुआ होता है, जिसका सुसंस्कृत नहीं होता है। अनकल्चर्ड माइंड के लिए बात, जिनका कल्चर्ड माइंड है, सुसंस्कृत मस्तिष्क हैं, उनका एक उद्देश्य होता है, वो एक काम में पूरी संलग्न रहें, एकाग्रता से काम करें। लेकिन जिनका जो सुसंस्कृत नहीं होते हैं, जिनके पास अच्छे गुण नहीं होते हैं, वो चारों ओर भटकते हैं। देयरफोर इट इज एसेंशियल, इसलिए आवश्यक है दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर, जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं इन दी इंस्टीट्यूशन, इस स्कूल में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, केवल आपको ज्ञानवान और कुशल बनाने वाली नहीं होनी चाहिए, बट इंडो यू विथ ए डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, बल्कि जीवन में एक निश्चित उद्देश्य देने वाली भी होनी चाहिए। जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं स्कूलों में, संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में, वो केवल आपको कुशलता और ज्ञान देने वाली नहीं, बल्कि एक उद्देश्य देने वाली होनी चाहिए। वाट दैट पर्पस इज, वो उद्देश्य है क्या, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, जिसे अपने आप आपको पूरा करना, मतलब डिफाइन करना है, उद्देश्य अपना खुद बनाना है। शिक्षा कोई आपका उद्देश्य नहीं बनाती, उद्देश्य तो आपको बनाना है कि आपको करना क्या है, फिर उसी प्रकार की शिक्षा आपको लेना है। तो कह रहे हैं शिक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है, तो यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, अपने अनुसार आपको उद्देश्य स्वयं चुनना है। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या आपको विवेक देती है, काम करने का तरीका सिखाती है, विवेक बुद्धि, विद्या आपको बुद्धि देती है, विमर्श रूपणी विद्या, विमर्श रूपणी विद्या यानी विचार विमर्श करने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसे विद्या कहते हैं। विद्या केवल किताब पढ़ने से विद्या नहीं आती, क्या आता है, वो ज्ञान आता है। ज्ञान के द्वारा जब आप तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे विद्या कहा जाता है। और विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, और वो आपको इस प्रकार का सेंस देती है, अनुभव देती है कि व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या जो गलत है उससे आप कैसे बचें। यानी विद्या आपको ये सिखाती है कि सही और गलत में आप अंतर कैसे जाने। यू मस्ट ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर इसलिए, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने की, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, आपके लिए क्या आवश्यक है इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी में आपके लिए आवश्यक क्या है, ये आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अ पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो इसमें क्या लिखा, इस जनरेशन में आपके लिए क्या जरूरत है, इसलिए उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कहा गया ए पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले जो उद्देश्य था, मे नॉट हेल्ड गुड टुडे, वो आज अच्छा नहीं भी हो सकता है। यानी जो उद्देश्य पहले बनाया गया था, जरूरी नहीं कि वो आज भी सही हो। ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए ये इसलिए कह रहे हैं कि आज ज़्यादातर जो व्यक्ति कर रहा है काम, उसके बच्चे भी वही करने लगते हैं, और फिर उसके बच्चे भी वही करने लगते हैं। कहने का मतलब, एक उद्देश्य जिस परिवार का बना हुआ है, उसका परिवार का वही काम करता आता है। अगर कुम्हार बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले बच्चे हैं, तो वो बर्तन का पीढ़ी, कई पीढ़ियों से बर्तन बनाने का ही काम कर रहा है। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि जरूरी नहीं कि जो वर्षों पहले उद्देश्य चुना गया था, आज भी वो सही हो। इसलिए आपको अपना उद्देश्य स्वयं चुनना है। हेल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की तेजी से बदलती हुई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो इस समय के परिवर्तन के साथ जो पहले का उद्देश्य बनाया गया था, वो जरूर नहीं आज भी सही हो। किसान का बच्चा किसानी करे, ये जरूरी नहीं है।
सेंचुरीज एगो रैपिडली कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड और इस संसार, यानी संसार की और हमारे देश की तेजी से बदलती हुई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बरसों पुराना उद्देश्य जरूरी नहीं है कि आज भी वो उचित हो। सो इसलिए द पर्पस उद्देश्य विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, अपने जीवन में जो आप अपनाएं, मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान जनरेशन के अनुसार, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना उद्देश्य आप चुने। इसलिए आज वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपना उद्देश्य आप बनाए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइम एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति। हर बार हम कोई जब काम स्टार्ट करते हैं तो मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद जब समाप्त करते हैं तो शांति 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 करते हैं। द टीचर सेज द टीचर एंड द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। ये सलाह दी जाती है कि टीचर और पीपल माने शिष्य, स्टूडेंट और गुरु, वो एक दूसरे से घृणा ना करें। अवॉइड हेटिंग ईच अदर, एक दूसरे से घृणा से बचें। टीचर और स्टूडेंट में मधुर संबंध होना चाहिए, तभी वो आपस में एक दूसरे से अपनी बात कह पाएंगे और उनको एक दूसरे से समझने की सहायता मिलेगी। यहाँ तक आप लोग आर्टिकल लीजिए और इसके आगे फिर कल पढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।